नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 27 जुलाई। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 38,919 पर। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में 24 जुलाई को 1311 मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं 25 जुलाई को 1294 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद कुल मिलाकर 2605 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 38,919 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए लिस्ट में हर रोज पटना में कोविड-19 के मामले काफी ज्यादा मिल रहे हैं। राजधानी पटना में एक बार फिर से बीते दिन 620 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं अन्य प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 21, अरवल में 33, औरंगाबाद में 48, बांका में 38, बेगूसराय में 64, भागलपुर में 71, भोजपुर में 102, बक्सर में 52, दरभंगा में 51, गया में 113, गोपालगंज में 40, जमुई में 93, जहानाबाद में 49, कैमूर में 19, कटिहार में 24, खगड़िया में 17, किशनगंज में 51, लखीसराय में 57, मधेपुरा में 16, मधुबनी में 48, मुंगेर में 42, मुजफ्फरपुर में 123, नालंदा में 105, नवादा में 60, पश्चिम चंपारण में 38, पूर्वी चंपारण में 20, पूर्णिया में 54, रोहतास में 94, सहरसा में 55, समस्तीपुर में 60, सारण में 102, शेखपुरा में 22, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 16, सिवान में 45, सुपौल में 60, वैशाली में 74। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में कोविड-19 की वजह से अब तक 26,308 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 249 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फटकार के बाद टेस्टिंग की बढ़ी संख्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बेकाबू बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए सभी अधिकारियों को फटकार लगाई है, जिसके तहत उन्होंने कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को इसको लेकर के जमकर क्लास लगाई और इसी का नतीजा यह देखने को मिला कि बीते 24 घंटे में कोविड-19 जांच की संख्या 14,199 पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20,000 कोविड-19 टेस्ट प्रतिदिन करने का लक्ष्य भी दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए सीतामढ़ी से भेजी गई मिट्टी। राम मंदिर के निर्माण के लिए सीता माता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से मिट्टी भेज दी गई है। सीतामढ़ी के पुनरो धाम, जानकी धाम, पथपकड़, हलेश्वर स्थान समेत 5 पवित्र स्थानों से मिट्टी एकत्रित कर अयोध्या भेज दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सीतामढ़ी के 5 मंदिर जानकी मंदिर, हलेश्वर स्थान मंदिर, पंथपाकर स्थित सीता मंदिर और बगही धाम से मिट्टी हटाकर जानकी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करके श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत श्री नित्य गोपाल दास जी के महाराज और महासचिव चंपत राय जी को सौंप दी गई है। इस मिट्टी को 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में शामिल किया जाएगा। पटना एम्स में कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे डोज की तैयारी हुई शुरू। कोविड-19 के इस माहौल में भारत निर्मित वैक्सीन को अब तक सकारात्मक परिणाम देखने में मिल रहे हैं। पटना स्थित एम्स में कोविड-19 के इस वैक्सीन के दूसरे ट्रायल की तैयारी तेज कर दी गई है। एम्स प्रशासन ने कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। जो लोग ट्रायल करवाना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपना नाम, पता, आधार कार्ड, उम्र भेज सकते हैं। आपको बता दें, ह्यूमन ट्रायल करवाने के लिए सभी लोग 9471408832 पर कॉल कर सकते हैं। कोविड-19 से जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले सरकारी सेवकों को पारिवारिक पेंशन देने का फैसला सुनाया है, जिसकी पुष्टि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में करवाई गई है। इतना ही नहीं, कैबिनेट की बैठक में हुई इस चर्चा में जान गंवाने वाले सरकारी सेवकों को विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ दिए जाने की बात कही गई है। कोविड-19 संक्रमण से अगर किसी सरकारी कर्मी की जान जाती है तो उसे विशेष रूप से पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। साल 2004 के बाद सेवा में आने वालों के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अन्य एजेंडों पर भी मुहर लगाई गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव कर्मी दिखेंगे पीपीई किट में। कोविड-19 के इस माहौल के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से जारी है। इसी क्रम में बिहार विधानसभा चुनाव का रूपरेखा तैयार कर लिया गया है। बीते दिन तैयार किए गए इस रूपरेखा में चुनाव आयोग ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव के तहत बिहार में तय समय पर विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी को तेज कर दी है, जिसके तहत सभी चुनाव कर्मियों को पीपीई किट मुहैया करवाए जाने की बात भी कही गई है। मतदान कर्मियों को पीपीई किट में पूरी सुरक्षा के साथ बूथों तक भेजा जाएगा। मतदाताओं को भी संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव व्यवस्था करवाई जाएगी। विभिन्न विभागों में निकाली गई रिक्तियां। चुनावी साल में बिहार में कोविड-19 की चुनौती से जूझ रही सरकार ने अब रोजगार मुहैया करवाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अब एक बार फिर से बिहार सरकार कई पदों पर बहाली करने जा रही है, जिसके तहत बिहार परिवहन सेवा नियमावली 2020 के गठन के बाद अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सहित मूल कोटि के 39 पदों के साथ प्रोन्नति वाले 13 पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड में 18 पदों के सृजन की सहमति बनी है। इसके अलावा बिहार गिरी रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली 2005 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार राज्य ईएसआईसी योजना परिचालक ए ग्रेड नियमावली 2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।
गोपालगंज में एनडीआरएफ की टीम को किया गया तैनात। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। कई प्रखंड और गांव पूरी तरीके से डूब चुके हैं। इसी क्रम में गोपालगंज के मांझा प्रखंड के पथरा गांव में पानी पूरी तरीके से भर चुका है। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर तैनाती कर दी गई है। यह टीम लगातार रेस्क्यू कर बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने में लगी हुई है। वहीं बाढ़ में डूबे लोगों की खोजबीन भी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार मांझा प्रखंड के पुरैना में सारण तटबंध टूटने से बाढ़ का पानी पूरे इलाके में फैल चुका है। बिहार में बाढ़ से 10 लाख की आबादी है प्रभावित। उक्त खुलासा आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ संबंधित आंकड़ों को जारी करते हुए बताया है कि राज्य में 10 जिले पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण जिले के 77 प्रखंड का नाम शामिल है। वहीं कुल 577 पंचायत बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से 10,61,152 लोग इससे प्रभावित है, जिनकी मदद के लिए बिहार सरकार की तरफ से 28 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे इम्तियाज अली की। जब वी मेट, लव आजकल और रॉकस्टार जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले इम्तियाज अली का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था, मगर इम्तियाज अली ने अपने जीवन के शुरुआती समय को राजधानी पटना में बिताया था। इम्तियाज अली ने अपनी पढ़ाई सन माइकल हाई स्कूल पटना से की थी। वहीं उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की थी। इम्तियाज अली ने अपने करियर की शुरुआत कुरुक्षेत्र और इम्तिहान जैसे सीरियल के निर्देशन से की थी और उन्होंने 2005 में सोचा ना था फिल्म से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने अभय देओल और आयशा टाकिया काम करने का मौका दिया था। इसके अलावा भी इम्तियाज अली ने लगातार कई सारे सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया है, जिसमें हाईवे, तमाशा, जब हैरी मेट से, जल्लाद आजकल जैसे तमाम फिल्मों के नाम शामिल है। आईएएस अधिकारी डॉक्टर दीपक प्रसाद को बनाया गया राज्य निर्वाचन आयुक्त। बिहार के कैबिनेट प्रधान सचिव रह चुके और 2 दिन पहले वीआरएस लेने वाले आईएएस अधिकारी डॉक्टर दीपक प्रसाद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायती राज विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इनकी नियुक्ति 5 साल और 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक की गई है। आपको बता दें, बीते दिन राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर चयन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था। एसएसपी एक बार फिर आए कोविड-19 की चपेट में। दरभंगा के एसएसपी को एक बार फिर से कोविड-19 हो गया है। तबियत नासाज होने के बाद उन्होंने जब टेस्ट करवाया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद एसएसपी ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। घर पर ही उनका इलाज जारी है। इसके बारे में उन्होंने खुद पत्रकार ग्रुप में मैसेज करके बताया कि आप में से कई लोगों के फोन मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से आइसोलेशन में था, कोविड-19 के लक्षण प्रतीत हो रहे थे, आज जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, इसलिए 8 से 10 दिन का बेड रेस्ट में रहना होगा। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए दी जाएगी नाव से लेकर ड्रोन तक की सेवा। उत्तर बिहार के कई जिले फिलहाल बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत का काम चलाया जा रहा है। नीतीश सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए राज्यों का खजाना खोल दिया है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम को नई नाव खरीदने की अनुमति दे दी है। साथ ही साथ बाढ़ राहत में उपयोगी साबित होने वाले ड्रोन की मदद लेने की अनुमति भी दे दी है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण भी करवाया जा रहा है। साथ ही लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में भी एनडीआरएफ की टीम लगातार कार्यरत है। जीतन राम मांझी अब शुरू करने वाले हैं अपनी वर्चुअल रैली। विपक्ष के लगातार विरोध के बावजूद बिहार विधानसभा चुनाव समय पर होने की संभावना जताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहले राजद ने भी धीरे धीरे करके तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं अब हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी वर्चुअल रैली किए जाने का ऐलान किया है। पार्टी 30 जुलाई को वर्चुअल रैली का आयोजन करने वाली है। इस रैली को हम प्रमुख जीतन राम मांझी संबोधित करेंगे, जिसकी जानकारी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे ने दी है और बताया है कि चुनाव आयोग जब चाहे बिहार में चुनाव करवा ले, हमारी पार्टी बिहार में चुनाव को लेकर तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सोनू सूद ने कही अहम बात। सुशांत सिंह राजपूत के गए हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सोनू सूद ने सुशांत सिंह राजपूत के मसले पर खुलकर बात की है। सोनू सूद ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का जाना बहुत ही दुखदायी है, वो हमेशा इन बातों को याद करके काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद सीबीआई जांच को लेकर सोनू सूद ने कहा कि इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर सुशांत के माता पिता और परिजनों को लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो होनी चाहिए। 27 और 29 जुलाई के बीच बारिश की जताई गई संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 29 जुलाई तक कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बिहार, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, खगड़िया जिला में भारी बारिश और कई जगह पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वहीं संजय कुमार झा ने भी ट्वीट करके 29 जुलाई तक गंडक और बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा के जलग्रहण क्षेत्र में मध्यम और भारी बारिश होने की संभावना जताई है।
जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम बिहारी ने पार्टी बदली। बिहार के सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को करारा झटका लगा है। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम बिहारी राम ने जदयू को अलविदा कह दिया है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का दामन थाम लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 2010 से 2015 तक श्याम बिहारी राम चेनारी विधानसभा से जदयू के विधायक थे। वहीं दूसरी तरफ रालोसपा का दामन थामने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में मिलन समारोह के दौरान उन्हें रालोसपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू बोट पर हुई महिला की डिलीवरी। बिहार में बाढ़ ने सभी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं बीते दिन बाढ़ की चपेट में आई एक महिला ने एनडीआरएफ की रेस्क्यू बोट पर ही बच्ची को जन्म दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले ही नाव में ही महिला की हालत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद रेस्क्यू बोट पर ही उनकी डिलीवरी करवाई गई। बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले में बाढ़ राहत एवं बचाव में जुटी एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के रेस्क्यू के दौरान उनकी बोट पर 25 वर्षीय महिला ने डिलीवरी की है, जिसके बाद उन्हें जल्द से जल्द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंजरिया में पहुंचाया गया है। बिहार के खोए अस्तित्व को वापस लाने की तैयारियों में जुटी है लोजपा। चिराग पासवान ने फर्स्ट बिहारी बिहार फर्स्ट को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया देखने में आई थी। अब लोक जनशक्ति पार्टी इस यात्रा के दौरान बिहार के हजारों गांवों और लगभग 4 लाख लोगों से मिले सुझाव के आधार पर बिहार का विजन डॉक्यूमेंट बनाने वाली है, जिसका नाम विजन डॉक्यूमेंट 2020 रखा गया है। लोजपा नेता सौरभ पांडे का कहना है कि बिहार की खोई अस्मिता और राज्य के विकास को रास्ते पर लाने के लिए और लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक दिशा देने के लिए यह विजन डॉक्यूमेंट 2020 बनाया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कोरोना रिपोर्ट आई सामने। कोविड-19 के बेकाबू हो रहे माहौल के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कोविड-19 जांच करवाया गया था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट बीते दिन साझा कर दी गई थी। जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार लालू प्रसाद यादव कोविड-19 संक्रमित नहीं पाए गए हैं, वहीं पूरी तरीके से वो सुरक्षित है। रविवार को रिम्स की तरफ से जारी किए गए टेस्ट रिपोर्ट में लालू यादव की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव के परिजनों और शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें, राज्य के रिम्स में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लालू प्रसाद यादव का जांच करवाया गया था। पप्पू यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से कर रही है ट्रेंड। जहां प्रमुख पप्पू यादव इन दिनों शारीरिक तौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं, वहीं बीते दिन सोशल मीडिया पर पप्पू यादव की एक तस्वीर तेजी से ट्रेंड कर रही है। इस तस्वीर में एक बच्चा कमर तक पानी में खड़ा है और वो पप्पू यादव के सामने हाथ जोड़े हुए है। पप्पू यादव भी उसे चुपचाप प्रणाम का जवाब हाथ जोड़ कर देख रहे हैं। वहीं इस तस्वीर को शेयर करते हुए पप्पू यादव ने लिखा है कि बिहार के इस भविष्य को मैं क्या जवाब दूं, इनके इस वर्तमान का जिम्मेदार कौन है, कसम है उस जिम्मेदार को मिटाकर ही दम लूंगा। राबड़ी देवी ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के कोरोना संक्रमित नहीं होने की कही बात। बिहार में कोविड-19 के माहौल के बीच राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। विपक्ष कोविड-19 को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी ने भी बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को निशाने पर लिया है। राबड़ी देवी ने अपने सोशल मीडिया से ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुशील मोदी को घर से बाहर निकलना चाहिए, उन्हें कोविड-19 नहीं होगा, क्योंकि सुशील मोदी के पास लालू कवच है। यह आदमी दिन में 72,000 बार शक्तिशाली लालू मंत्र का जाप करता है और कोविड-19 से दूर भगाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आपदा को अवसर में बदलने के लिए की बिहार की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान 67वें संस्करण में लोगों को संबोधित करने के दौरान बिहार की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सकारात्मक नजरिए से हमेशा आपदा को अवसर में, विपरीत को विकास में बदलने में मदद मिलती है। बिहार में कई महिला स्वयं सहायता समूह ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाने शुरू किए हैं और देखते ही देखते यह खूब लोकप्रिय हो गए हैं। यह मधुबनी मास्क के एक तरह ही परंपरा का प्रचार तो करते ही लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार भी दे रहे हैं। गौतम गंभीर ने कहा, इंडियन टीम में कोई ऐसा नहीं जो बेन स्टोक्स की तुलना कर सके। गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बेन स्टोक्स की खूब तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विश्व क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी इंग्लैंड के हरफन मौला बेन स्टोक्स के करीब नहीं पहुंचा है। बेन स्टोक्स ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 176 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी टीम को जीत दिलवाया था। उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में शुरुआती 2 मैच में 313 रन बनाने के साथ ही 9 विकेट भी लिए थे। वहीं अब इस समय किसी भारतीय क्रिकेटर से बेन स्टोक्स की तुलना नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। दुनिया का सबसे छोटा 4G स्मार्टफोन जेली 2 हुआ लॉन्च। एक ओर जहां हम दुनिया में स्मार्टफोन की स्क्रीन के साइज की बढ़ोतरी लगातार देखते जा रहे हैं, वहीं बाजार में अभी तक कई सारे ऐसे लोग हैं जो कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन को पसंद करते हैं। एक कंपनी यूनिहर्ट्स ने हाल ही में एक छोटे से स्मार्टफोन का निर्यात किया है। इतना ही नहीं, उसने दुनिया के सबसे छोटे 4G स्मार्टफोन यानी जेली 2 को लॉन्च कर दिया है। इस मोबाइल में आपको 1 इंच की 480x384 पिक्सल वाली स्क्रीन मिलेगी।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अखिलेश कुमार, संतान पासवान, स्वीटी सिंह, पूजा कुमारी, अरविंद कुमार, मृत्युंजय कुमार, ओमकारा सिंह, बिट्टू कुमार, मिथिलेश कुमार, रंजन राव, नीतीश कुमार, बबिता यादव, उजाला चौधरी, राजीव राज, अमित कुमार, मोहित कुमार तिवारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार की किस अभिनेत्री ने बिहार का सम्मान सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।